वेंट्रिकुलर डिस्काइनेसिया, ये एक बीमारी है, इसके बारे में मैं आपको अभी आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारे हॉस्पिटल है जहाँ हम रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, लोग देश भर से फोन करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स हमसे बताते हैं, काउंसलिंग लेते हैं हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है उनको, और कुछ लोग यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल होकर भी एडमिट करते हैं। अभी ये जो मैं आपको पेशेंट बताने वाला हूँ उसको है ओरोमैंडिकुलर डिस्काइनेसिया। उसका एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे पता नहीं, जब मेरे पास में आया तो उसको वैसा कोई तकलीफ नहीं है, मगर खाना खाने के समय जैसा वो निवाला अंदर लेता है तो अंदर निवाला लेने के बाद में वो अंदर घूमते रहता है वो निवाला, मतलब वो निगलते नहीं आता उसको, और ऐसे चुभाने की वो कोशिश करेगा, उसको बाइटिंग करेगा, मतलब चुभाया जाता नहीं, वो गोल 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 अंदर घूमेगा, क्योंकि उसका वो जो डिस्काइनेसिया है, मतलब ये ओरोमैंडिबुलर डिस्काइनेसिया उसको बोलते हैं, कि उसमें वो निवाला या अनाज जो है वो घूमते रहेगा और थोड़ा थोड़ा निगल पाएगा। अभी ये जो है इसका ये बहुत लोगों को पेनफुल जैसा है, मतलब ऐसा दर्द नहीं होता है, मगर अनाज नहीं खा सकते इसमें। ये कोई दवाइयों का रिएक्शन हो सकता है, कोई दवाई लिया तो उसका रिएक्शन हो सकता है, या फिर बिना कुछ वजह का भी शुरू हो सकता है। इसमें हमें जानकारी लेने के बाद मालूम पड़ा कि उसको कुछ दवाइयाँ चालू थी मानसिक बीमारी के लिए, और उसको फिट्स भी आती थी, और उसके बाद में उसका इलाज जब किया तो बाद में कोई दवाई यहाँ वो बोल नहीं सके, मगर कुछ दवाई चालू थी, शायद वो दवाई की वजह से उसको हुआ होगा। ये उसकी ट्रीटमेंट हमने चालू किया, ये जो ओरोमैंडिबुलर डिस्काइनेसिया इसके लिए दवाई हमने चालू किया, वो दवाई से उसको काफ़ी फर्क पड़ा। ये देखिए उसका वीडियो, ये कैसा हो रहा है, कैसा घूम रहा है वो अनाज अंदर। क्या होता है, क्या हो रहा है? हाँ खाओ, ये खा लो, बिस्किट खा लो, खा लो बिस्किट। हाँ क्या होता है? हाँ तो निगलने नहीं आता, क्या निगलने नहीं आ रहा है? गिरता है नहीं है? हाँ गिरता है। कहाँ है तो? खा लो, क्या होता है खाया तू? जात नहीं हाथ में, जात नहीं हाथ में, तो ऐसे काफी सारी मूवमेंट डिसऑर्डर रहती है, मूवमेंट डिसऑर्डर। और ये मूवमेंट डिसऑर्डर जो है, मतलब वो कोरिया रह सकता है, जहाँ हाथ ऐसे फेंके जाते हैं, पैर फेंके जाते हैं, और ऐसे ऐसे झटकों में हाथ पैर फेंके जाते हैं, तो कोरिक मूवमेंट्स हो सकती है। फिर आंखें मिचमिचाना और वो कंट्रोल में रहता नहीं है, वो टिक्स रहते हैं, या फिर डिस्काइनेसिया है, या फिर गर्दन टेढ़ी हो जाना, या ऐसे काफ़ी सारे मस्कुलर ये टिक्स या डिस्टोनियाज या डिस्काइनेसिया रहते हैं, और उसका इलाज लोगों को मालूम ही नहीं कि ये बीमारी क्या है और उसका इलाज हो सकता है। ये तो बोलते हैं कुछ करणी कौटाल का क्या हुआ है, कुछ करणी की, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये लोग फॉर्चुनेटली हमारे पास में आए और उनका इलाज हम कर सके। सो, ये लोगों को पता नहीं है, लोगों का एजुकेशन होना इसमें ज़रूरी है। लोगों की शिक्षा यदि इसमें हो गई तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें राहत मिल सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके ग्रुप्स में शेयर करो, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।